नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे यहाँ पर सबसे पहले खाद्य तेलों से। रूपा जी, तेल तिलहन में देख रहे हैं कि लगातार तेजी देखने को मिल रही है, चाहे सूरजमुखी का तेल हो, सरसों तेल हो, सोयाबीन तेल हो, रिफाइंड हो, किसी भी तरीके का सबसे ज़्यादा तेजी खाद्य तेलों में देखने को मिली है। और CPO जो तेल रिफाइंड के आधे भाव पर, जो तेल सरसों के आधे रेट पर बिकता था, अब वो सरसों को भी टक्कर दे रहा और सबसे महंगा तेल हो रखा है इस वक्त मार्केट के अंदर। रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से क्राइसिस हो रहे हैं और भारत में भी इम्पोर्ट पर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भारत का इम्पोर्ट भी थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते, तो ऐसे में क्या खाद्य तेलों की कीमतें आगे जाके और उछल सकती हैं? देखिए, खाद्य तेल की कीमतों में एक्सपेक्टेड है कि अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके की अभी फिलहाल स्थिति है उसके चलते कीमतों के अंदर अपसाइड मोमेंटम है। और जो ये सूरजमुखी के तेल के अंदर कीमतों में उछाल आया है, उसका असर ही दूसरी कमोडिटीज के ऊपर देखने को मिल रहा है, सभी खाद्य तेलों पर। और फिलहाल के लिए ये माना जा रहा है कि अभी खाद्य तेल की कीमतों में कमी एक्सपेक्टेड नहीं है, बाजार तेजी की तरफ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। रूपा जी, देख रहे हैं कि सरसों तो मंडियों में आनी शुरू हो गई है, तो अगर ऐसा माना जाए कि 2 से 3 महीनों के अंदर सरसों की पेराई होने के बाद जो तेल निकलेगा और मार्केट में सप्लाई होगी, तो क्या उससे कुछ खाद्य तेलों के प्राइसेस कुछ नरम हो सकते हैं या फिर तब भी तेजी देखने को मिलती रहेगी? देखिए, अभी तो फिलहाल स्थिति पॉजिटिव है और मार्केट के अंदर लग रहा है कि खाद्य तेल शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी में रह सकते हैं। जी, इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी देख रहे हैं कि लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। विदेशों में सोयाबीन में तेजी है ही है, भारत में भी तेजी देखने को मिली, बस मंडियां बीच में अभी जो कुछ दिन के लिए बंद हुई थी उसके बाद थोड़ी नरमी आई थी अराइवल्स के चलते, लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर से सोयाबीन लगातार तेजी होती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, खाद्य तेलों का तेज होना, किसानों का सोयाबीन को होल्ड करके रखना और सोयाबीन की कीमतों में तेजी आना, तो क्या सोयाबीन की कीमतों में अभी और अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, एक्सपेक्टेड है कि तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंपोर्ट के डेटा भी अभी रिवाइज हुए हैं और इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है, और इसके चलते एक्सपेक्टेड है कि अभी प्राइसेस के अंदर अपना मोमेंटम बना रह सकता है। जी, तो रूपा जी, जो सोयाबीन किसान है, क्या उनको भी सोयाबीन थोड़ी अपनी होल्ड करके रखना सही रहेगा? देखिए, अभी तो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट उठ सकते हैं, तो थोड़ा रिवाइज किया है और उनमें थोड़ी कमी की है, उस अनुमान में थोड़ी कटौती की है, वो थोड़ा अनुमान कॉटन का कम किया गया है USDA की रिपोर्ट में। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो M6 कॉटन 37,000 के ऊपर देखने को मिल रही है, तो क्या अभी उसमें और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नया माल है अक्टूबर से पहले नहीं आता है? देखिए, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है कॉटन में, ऑलरेडी प्राइजेस काफी ऊपर हैं और मुझे लगता है कि यहीं पर सस्टेन रहेंगे, इससे ज्यादा तेजी की तरफ मुझे दिखाई नहीं देता है मार्केट। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म कंसोलिडेट हो सकता है इन लेवल्स के ऊपर, लेकिन आगे चलकर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप बिनौला खल की, तो बिनौला खल में तो हमने काफ़ी ज़्यादा सीमित दायरे में कारोबार देख लिया है, काफ़ी हफ्तों से देख रहे हैं कि बिनौला खल सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, 3,000 से लेकर 3,400 की रेंज है, हालांकि 3,200 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। आज भी देख रहे हैं कि बिनौला खल का अप्रैल वायदा 3,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको क्या लगता है रूपा जी, बिनौला खल में तेजी कब तक बन पाएगी? देखिए, फिलहाल तेजी का सिनेरियो नहीं है बिनौला खल में और सीमित दायरे में है, और यहाँ पर कोई भी एंट्री फिलहाल नहीं बन रही है मार्केट के अंदर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए बिनौला खल से, क्योंकि नीचे में हमें लग रहा है कि अगर 3,000 ब्रेक करता है तो नीचे में 2,800 तक भी लुढ़क सकता है, और 3,200 के ऊपर सस्टेन होता है तब तेजी की तरफ मार्केट जा सकता है, लेकिन 3,200 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है, इस वजह से प्राइजेस को सपोर्ट नहीं मिल रहा और फंडामेंटली भी बहुत ज्यादा कोई मार्केट जो है वो तेजी की तरफ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जी, इसके साथ रूपा जी नजर डालें अगर मसालों की कीमतों की तरफ, तो मसालों में भी हम देख रहे हैं कि सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिला है,
दो ट्रेडिंग सेशन पहले तो तेजी आई थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर से मसालों के अंदर एक सीमित दायरे में कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मसालों में यहाँ पर अभी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली सही रहेगी या निचले स्तरों का वेट करें और खरीदारी करें? देखिए, मसालों में अभी तेजी का रुझान है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि छुटमुट गिरावट बनी रहे, और मुझे बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे लगता है कि मसाले आगे चलकर अच्छी तेजी की तरफ जा सकते हैं। जो भी करेक्शन आती है उस करेक्शन में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होरिजन रखें और मसालों के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। नेक्स्ट वीक भी मुझे लगता है कि मसालों के लिए अच्छा रह सकता है, एक पॉजिटिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है, सपोर्ट आ सकता है कीमतों के अंदर, और मुझे लगता है कि धनिया जल्द ही 12,000 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, इसके साथ रूपा जी बात करें यहाँ से, अगर आप कैस्टर सीड की, तो कैस्टर सीड देख रहे हैं अप्रैल वायदा 7300 के ऊपर ही सस्टेन है। रूपा जी, मार्च में देखते हैं कैस्टर की अराइवल्स होती हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या अराइवल्स की वजह से कैस्टर में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है या फिर जो बाजार है वो एज इट इज बना रहेगा? देखिए, अराइवल प्रेशर का थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन प्रोडक्शन ऑलरेडी कम है और एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छे बताए जा रहे हैं, तो इसके चलते सपोर्ट है कीमतों को। इसीलिए हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से कैसेट जो है अब सस्टेन हो रहा है 7,000 के ऊपर, इनफैक्ट 7200 के आसपास हम इसके ऊपर ट्रेडिंग आते हुए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 7500 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा सुस्त रहेगा मार्केट और धीरे धीरे कंसोलिडेटली हमें लगता है कि ग्रेजुअली इसके अंदर एक तेजी आ सकती है जो कि 7500 हो सकती है। जी रूपा जी, बात करें यहां से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं तेजी देखने को मिल रही है आज। ग्वार गम का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 11,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मार्च वायदा 11,600 के ऊपर। रूपा जी देख रहे हैं ग्वार गम में अच्छी खासी तेजी बनती नजर आई है, ग्वार सीड में भी देख रहे हैं 6100 के ऊपर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। रूपा जी देख रहे हैं ग्वार गम ग्वार सीड में अचानक से तेजी देखने को मिली है, आपको क्या लगता है, ग्वार गम ग्वार सीड में जो तेजी आई है अचानक से, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं और क्या ये तेजी यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के साथ देखने को मिल पाएगी? देखिए, तेजी अभी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो सकते हैं यूएस की तरफ से, इसीलिए गम के अंदर हम उछाल आते हुए देख रहे हैं और सीड भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर बाजार थोड़ा सा तेजी की तरफ रह सकता है और ग्वार जो है वो 12,000 तक अपसाइड में जा सकता है, गम और सीड भी 6200 से लेकर 6300 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर शुगर की, चीनी की, तो चीनी में आपको क्या लगता है, क्योंकि खबरें तो यही हैं कि इस बार चीनी का निर्यात भारत में भारत से ज़्यादा देखने को मिला है, तो क्या उसका असर घरेलू चीनी की कीमतों पर भी दिखता नजर आ सकता है? देखिए, थोड़ा बहुत मार्केट सपोर्ट ले सकता है, अगर एक्सपोर्ट में तेजी देखने को मिलती है तो चीनी की कीमतें थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। ऑलरेडी मार्केट जो है उसी रेंज में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट जरूर बढ़े हैं, ये जो रैली आई है इस रैली के चलते एक्सपोर्ट्स में जरूर इजाफा देखने को मिला है और अभी भी देखा गया है कि 5.5 लाख टन के आसपास जो है एक्सपोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके ऊपर भी चीनी के साइन किए गए हैं, तो एक पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा मार्केट सस्टेन कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की तरफ अभी फिलहाल मार्केट दिखाई नहीं दे रहा है। जी रूपा जी, दर्शक का सवाल आ रहा है बिनौला खल को लेकर, इनका सवाल है कि बिनौला खल का वायदा तो 3100 का है लेकिन हाजिर भाव 3400 का है, क्या करना चाहिए? देखिए, अब थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए बिनौला खल के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पर सस्टेन नहीं लगता है मार्केट, मुझे लगता है कि करेक्शन में मार्केट जा सकता है। जी रूपा जी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है कम्युनिटी बाजार का, आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी एग्री कम्युनिटीज के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि मसालों के अंदर ही बाइंग में रहना चाहिए और ग्वार, ये दो कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर आगे चलकर तेजी बन सकती है, तो ग्वार में बाय किया जा सकता है और स्पाइसेस को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होरिजन लेकर स्पाइसेस के अंदर बाय करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह एग्री कम्युनिटीज के लिए कैसे साबित हो सकता है? देखिए, आने वाले सप्ताह में लग रहा है कि एक बार स्पाइसेस और ग्वार, ये कमोडिटी ऐसी हैं जो तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका ही जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।